दोस्तों ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा गुड़ का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और किस तरह करना है ये बताऊंगा। अभी जो बच्चे निकले ये 33 बच्चे रहेंगे, दो मुर्गियों के बच्चे, एक मुर्गी को कट दिए गए। किस तरह करना है और किस तरह इतने बच्चे निकालना है ये मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे आपको, एकाउंट पे मेरी प्लेलिस्ट दे दूंगा। चलो अभी टॉपिक, वीडियो की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुर्गी पालन में मेन मकसद यही रहता है गुड़ का इस्तेमाल करने का, क्योंकि बच्चों को यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस ना आए, क्योंकि जब बच्चा अंडे में से निकलता है कुछ इन्फेक्शंस आते हैं उसको, उसे ही यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। ये यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस की वजह से जैसे जैसे बढ़ते रहता है बच्चा, 3 दिन 4 दिन या 2 दिन इस तरह का होता रहता है, वो इन्फेक्शंस की वजह से कुछ बच्चे मर जाते रहते हैं। तो ये ना मरने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी रहता है। किस तरह इसका इस्तेमाल कर रहे वीडियो में बरकरार रहिए, पूरी जानकारी डिटेल से दूंगा आपको। गुड़ कितना देना है और किस तरह देना है, जो आपको यहाँ पर एक पानी का जो ढक्कन दिख रहा है ये वाला, तो हम पानी का ढक्कन ज़्यादा ऊंचाई, मतलब ये तो 1 इंच से 1 इंच, मतलब 1.5 इंच पे ये ढक्कन, तो बच्चे छोटे रहते तो हम ज़्यादा ऊंचा ढक्कन ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे तो उसमें गिर के मरने के चांसेस बहुत रहते हैं बच्चे, इसलिए वो खतरा नहीं रहने के लिए आपको इस तरह का छोटा सा ढक्कन लेना है। और ये छोटा सा ढक्कन में बच्चे जो 33 बच्चे तो वो पानी पूरा पी लेना चाहिए, वो बच्चे जितना दवा डाल रहे हैं हम घुलाकर तो वो पानी पी लेना चाहिए। तो और आप इस तरह एक ढक्कन ले लीजिएगा लेकर, गुड़ किस तरह इस्तेमाल करना है, 1 बच्चे को 1 ग्राम, 10 बच्चे को 10 ग्राम, वो किस तरह मापना है। अगर से आपके पास ये नहीं है कांटा तो ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस तरह ये कांटे की इन्फॉर्मेशन, वो वीडियो देखिए, वो भी आईकॉर्ड पे मिल जाएगी आपको वीडियो, क्योंकि बहुत कम कीमत की रहती है ये, सिर्फ 300 रुपये की, और कहाँ मिल जाएगी ये पूरा इन्फॉर्मेशन वो वीडियो में। अभी आपको गुड़ ये 33 ग्राम्स लेंगे अभी हम, ये पानी ले लिए और ये कांटे को चलो अभी आ गया है, ये ग्राम्स पे दिख रहा है यहाँ पे जी, इसका मतलब ग्राम है, 0.0 है अभी। चलो 33 है ना दोस्त, ये रख देंगे गुड़। चलो दोस्तों अभी डाल दिए इस पे, आपको दिख रहा है कांटे की रीडिंग ग्राम, जो यहाँ पर जो नीचे ग्राम दिख रहा है, जी दिख रहा है, वो ग्राम है 33.04, मतलब 1 ग्राम से भी कम की चीज़ें भी ये कांटे पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेडिसिन्स रहती है और एंटीबायोटिक्स रहती है, जैसे लहसुन पाउडर हो या नियोडॉक्स हो, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड हो, इस तरह के, ये बंद हो गया है, फिर इस पे चालू करोगे तो आप चालू भी हो जाएगा। अलग अलग किस्म की भी रीडिंग्स, मतलब ग्राम्स पे हो या दूसरे से भी बता देती है इस पे, तो आप देखे हो इस पे 33 ग्राम्स है, 33 बच्चे है वो। तो ये गुड़ हम इस पानी में डाल देते हैं, ये पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, डाल देते हैं नीचे, फिर भी पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये गुड़ इसमें डाल दे रहे हैं हम अभी। चलो ये गुड़ को आप घुला लेना है इसमें, 1 बच्चे को 1 ग्राम गुड़ कंपलसरी मिलना चाहिए दोस्त। जब गुड़ देने का मकसद यही है कि 1 बच्चे को 1 ग्राम पहुंचे, जब 1 ग्राम गुड़ पिएगा वो पानी, गुड़ का पानी जब उसको अच्छे से इफेक्ट करेगा, वो यॉक रिलेटेड जो इन्फेक्शंस रहती है वो इन्फेक्शंस ये गुड़ के पानी से पूरे कम हो जाते हैं, जो नहीं तो आगे जाकर डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों को, इसलिए ये गुड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे देना है आपको, अभी मॉर्निंग है, ये यहाँ से मैं 1 बजे तक ये गुड़ दूंगा, वहाँ से फिर आपको 1 से 2 बजे तक कुछ नहीं देना है, पानी निकाल देना है, उसके बाद लेक्सिन पाउडर देना है। वो भी किस तरह देना है मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। इस तरह से अच्छा सा घुला लीजिएगा गुड़, घुलाकर बच्चों को दे दीजिएगा। तो सो ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन भी बेहतर नहीं दिख रहा है मुझे अभी, क्योंकि जो बच्चों की सिचुएशन है यहाँ पर, जो अभी निकले ये बहुत छोटे है, अगर से ढक्कन में बैठ जाएगा तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नादान हो जा सकता है, इसीलिए पूरा जहाँ पर जो देख रहे हो आप 1.5 इंच का रहेगा ये ढक्कन, तो 1.5 इंच के ढक्कन में हम ये पानी इसमें डाल देते हैं अभी, गुड़ का पानी। ओके दोस्त, तो चलो इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जो फुल हो जाएगा।
अच्छे से मिला देंगे। तो एक भाग के आ जा रहा है अभी अभी। बे साले उसे क्यों भोक रहा है कमीना, भोक रहा है। चलो इसे रख देंगे। कहाँ पर रखते, यहाँ पर रखे। चलो यहाँ पर जा सकते हैं बच्चे, यहाँ कॉर्नर पे रख देते हैं। चलो अभी धीरे धीरे से जाएंगे बच्चे, फिर पी लेंगे, वो आदत हो जाएगी। ओके दोस्त, इस तरह से रखना है आपको। थोड़ी देर से पी लेंगे वो, अभी अभी निकले इसलिए हम आपकी गर्मी सेक रहे हो। थोड़ी देर से आ जाएंगे बाहर। एक निकला है, लो धीरे से, तो भूखा दिख रहा है। क्या करेगा, गोरा गोरा काली काली, और ये गोरे गोरे बच्चे निकाली है ना, हो गए अंदर भी काले भी बच्चे। मे भी मुझे देखकर, जो मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हो, अभी आएंगे। झांक झांक कर देख रहे, देखते बहुत प्यारे से लगते हैं ना। मुन ऐसे जानवर की कभी भी इज्जत करना चाहिए, बहुत सारी कर रहे हो गए आप, मैं भी, पर फिर भी मुझे बहुत लाइक लगते हैं ये। आपको बच्चे भी किस तरह डालना है, एक मुर्गी जिसके पंख जितने हैं वो बच्चे कितने पंख के अंदर ले रही है उतने बच्चों को डालना है। अभी जो बच्चे दिख रहे हो, दिख रहे हैं, अभी जिसे ठंड लगेगी वो उसके पर के नीचे घुस जाएगा, वो मुर्गी और भी पंख बड़े भी कर सकती है दोस्त। और बच्चे सबको मुर्गी अपना लेना चाहिए, इस तरह की मुर्गी आप सेलेक्ट करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्ले आई कार्ड पर प्ले लिस्ट दे दूँगा, अगर से आप डायरेक्ट भी मेरे यूट्यूब चैनल से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो सारे देखिए। मुर्गी पालन में आपको कुछ भी डाउट हो तो मिल जाएंगी, लगभग 150 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे। और भी वीडियोस चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही होगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ही वो वीडियोस आएंगे, नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब, अगर से नहीं करे हो तो दबा कर एक बेल आइकन की घंटी दबा लेना। और अगर से लाइक्स बहुत कम आ रहे, देख रहे हल्लू फिसल जा रहे हो वीडियो देख कर, लाइक कौन मारेगा, अभी तक देख रहे हो 8 मिनट तक बरकरार रखे हो वीडियो, इन्फॉर्मेशन तो अच्छी लगी होगी आप सबको, फिर लाइक नहीं मारोगे हल्लू फिसल जाओगे। तो आपके लाइक से मुझे तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बस एक खुशी मिलेगी मेरे दोस्तों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे कहकर, अभी आपकी मर्जी। ओके दोस्त, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि मेरे अगले वीडियोस आपको आएंगे मुर्गी पालन की, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।